हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांकर। मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। अभी अंडमान गवर्नमेंट ने नया एक अपडेट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं वो क्या अपडेट है। यहां पर जो है टोटल 52 पोस्ट जो है दिया हुआ है आरटीआई ट्रेड्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जॉब का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है ट्रेड्समैन मेट, इंडियन नेवी की तरफ से है ये जॉब। आप कैसे भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, कैसे आप भरेंगे, पूरा डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। अभी तक मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्त, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग को। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट का नाम है ट्रेड्समैन मेट, ठीक है, इंडिया नेवी की तरफ से है ये पोस्ट। इसमें दिया हुआ है जो भी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, एसटी, एससी, एसटी, सीडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, हैंडीकैप जो भी है और अदर्स, उसमें अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो है जनरल कैटेगरी में 43 पोस्ट है, उसके बाद है ओबीसी 32 पोस्ट है, एससी 18 पोस्ट है, एसटी 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 11 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन 11। ठीक है, उसी तरह जो भी अदर्स है देख सकते हैं, एच वी एच वन, एच एच वन, ओ एच वन, डी एंड ई अदर्स वन दिया हुआ है। 52 इन नंबर आईटीआई ट्रेड्समैन आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी आईटीआई कैंडिडेट है उन लोग के लिए ये पोस्ट है और जानेंगे इसका थोड़ा डिटेल्स में और भी जानेंगे। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स है ये नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बिटवीन 18 to 25 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए रिकॉग्निशन बोर्ड के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन आईटीआई जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको सर्टिफाइड होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है दोस्तों ये दो चीज़ का, 10th और आईटीआई जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद है देखते हैं जॉब में क्या क्या है। वर्क इन प्रोडक्शन, जनरल क्लीनिंग, ठीक है, कैरिंग फाइल्स एंड अदर पेपर्स, फोटोग्राफी सेंडिंग, रिसीविंग फैक्स लेटर, अदर नॉन क्लियरियल वर्क इन द सेक्शन। नोटिफिकेशन का जो है लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्या क्या जो ये जॉब निकला हुआ है वहाँ उस लोग के लिए क्या क्या नेचर ऑफ ड्यूटी होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। आज एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया और क्या क्या ड्यूटी होता है वो भी मैंने बता दिया। अब और इसमें दिया हुआ है क्या क्या, अब जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो ऑफलाइन होगा, स्कीम रिटर्न एग्जामिनेशन में होगा वो जानते हैं। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, ठीक है, 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, 25 का मार्क्स का, टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा दोस्तों। ठीक है, आप प्रिपेयर कर लीजिए, पहले सबसे पहले तो फॉर्म भरिए, उसके बाद प्रिपेयर हो जाइएगा एग्जाम के लिए। मैं दिखाऊंगा कि कैसे भरेंगे वो भी आप जानेंगे कैसे भरेंगे। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फोटोकॉपी, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितना साइज़ का होना चाहिए, जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचेंगे उसका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए दोस्तों, मीन्स लाइट होना चाहिए। ठीक है, उसमें बैकग्राउंड डार्क या तो ब्लैक या तो ब्लू कुछ ना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है इसे एकदम डिटेल्स में लिखा हुआ है, वाइट होना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइट होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड, और वो 20 KB to 50 KB होना चाहिए। और कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर में ब्लैक इंक से। ठीक है, और उसका साइज जो है 10 to 20 KB होना चाहिए। और उसके बाद है कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, ठीक है, वो भी वाइट पेपर में ब्लैक या तो ब्लू इंक से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें साइज़ भी दिया हुआ है 10 to 20 KB। कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, उसका साइज़ होना चाहिए 50 to 200, और जितने भी अभी मैं बताऊंगा पूरा 50 to 200 ही होना चाहिए। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एडिशनल एजुकेशन है वो मैंडेटरी है, वो आपको अपलोड करना है 50 to 200 सेम। और अभी जानेंगे कि कैसे जो है कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। थोड़ा जस्ट थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लंबा लिस्ट दिया है वहाँ, और एक चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है कि मैं आपका जो है मेरिट लिस्ट में जॉब दिलवा दूंगा, उस लोग के भरोसा में आप पैसा मत दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सिंपली पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है, वो सबसे आप दूर ही रहिए, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, आपका नाम ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कैंडिडेट का जो जो मैं डिटेल्स है, कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। देखिए कारपेंटर जो 2 semester 1 year के लिए जो कंप्लीट किया हुआ है उन लोग के लिए वो भर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जितना भी ये डिटेल्स है आईटीआई स्टूडेंट भर सकता है, ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं 10th पास
और ये एडिशनल ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ क्या क्या डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारा डिटेल्स मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट का लिंक जैसे मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आना है। उसके बाद ये जो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये तो दिखा रहे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट अंडमान निकोबार कमांड। ठीक है, ये ओपन कर लेना है। ओपन जब कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको अगर नोटिफिकेशन को ओपन करना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अप्लाई करना है सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन अंडमान निकोबार कमांड। ठीक है, यहाँ में सिंपली अप्लाई नाउ में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब एक ट्रिक्स आपको यहाँ पे शो होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारा यूज़र जो है कल इस यहाँ पे अप्लाई करते रह जाएंगे, लेकिन ओपन वही पेज में बार बार रिडायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पॉपअप शो हो रहा है, इसको आप अलाउ करना है। ठीक है, इसको डन अलाउ करने के बाद ही जो है आप नेक्स्ट पेज में जा सकेंगे। पॉपअप शो एक पेज अभी ओपन होगा जैसे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पेज है आपको चार सेक्शन में डिवाइड। सबसे पहले तो है आपका पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद है अपलोड, उसके बाद है कंफर्म एंड सबमिट। देखते हैं कि कैसे ये जो डिटेल्स है हम फिल कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहला है नेम, आप अपना नाम लिख देंगे, आप अपना फादर्स नेम लिख देंगे, आप अपना मदर्स नेम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड लिख देंगे। उसके बाद है एज ऑन, अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी लिख देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे, मैरिड सिविल स्टेटस आप यहाँ पे दे चेक कर लेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर लेंगे लिख देंगे। उसके बाद है यहाँ पे रीजन, आप कौन सा रिलीजन से हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, डोमिसाइल यस, अगर अंडमान निकोबार के हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। ठीक है, वन DRM कैंडिडेट और एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन कुछ है तो आपको यस या तो वरना नो। PWD सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे या तो वरना नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वही EVS वही सेम है। ठीक है, उसका भी कैटेगरी होता है, अगर आपके पास ये सब है तो यस या तो नो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पे जब जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो होगा। ठीक है, उसके बाद वन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस, वरना एक सर्वेंट में ये पूरा जो है भर के आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जितना भी फील्ड है सब मैंडेटरी है दोस्तों। ठीक है, आपको भरना ही भरना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन डेट आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं में समाप्त करते हुए, अभी तक जो है मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको हाँ ये वीडियो देखना है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करेंगे, आपको बनवाना है, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, ये नेक्स्ट वीडियो में ये ला सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बताइए, मैं ये वीडियो भी एक बना दूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं में समाप्त करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।